गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 141 आई है। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले से अच्छे से लेबल कीजिए। क्लास डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है खेत और बाड़, ठीक है। यहाँ लिखा है अजय के पिताजी और चाचा जी किसान हैं, वे गाँव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिससे जानवर उनकी फसल ख़राब ना कर सके। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पिताजी का ये है चाचा जी का खेत, ये है पिताजी का खेत। दोनों के खेत हैं और दोनों ने क्या करा, बाड़ लगा लिया ताकि जानवर अंदर ना आ पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेत पर लगाने वाले बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। अजय ये सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उनके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत की बाहरी सीमा पर लगते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चारों साइड्स को प्लस करना है, 10 और 10 कितने हो गए 20, 6 और 6 कितना हो गया 12, है ना। 12 और 20 कितने हो गए आपके, ये हो गए 32, ठीक। और इसको कीजिए 10 और 8 कितने होते हैं 18, 18 में 7 प्लस कीजिए, 8 2 10 7 प्लस करेंगे तो ये हो गए आपके 25, 25 और 7 प्लस कीजिए ये फिर 32 हो गए, ठीक है। तो दोनों में क्योंकि बाड़ तो चारों तरफ साइड में लगेगा ना, एरिया थोड़ी निकालना है जो हमें वो लगे, तो साइड्स तो बराबर हो सकती हैं, तो 32 हो गए। तब यहाँ लिखा है क्या आप बता सकते हैं, तो अब आपको बताना है क्या बताना है कि यहाँ लिखा हुआ है चाचा जी और पिताजी के खेत में की बाड़ लगाने के लिए कुल कितने मीटर की आवश्यकता होगी। तो देखिए चाचा जी के, अब यहाँ आप ऐसे लिखेंगे चाचा जी, ओहो चाची कर दिया मैंने, चाचा जी, तो चाचा जी का कितने का है 32 का, और यहाँ लिखिए पिताजी, तो पिताजी का भी कितना है 32, तो 2 2 के तो 4 3 3 क्या हो गया 6, तो कितनी चाहिए 64 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 64 मीटर लिख लीजिए, मामे ई की मात्रा तारा 64 मीटर। आगे देखिए यहाँ लिखा है अगर उनके पास 100 मीटर तार है तो उनके पास कितना तार बचेगा। तो अब देखिए हम उनके पास कितना तार है, 100 मीटर तार है, और उनको अभी चाहिए कितना है 64 मीटर चाहिए है तार लगने के लिए, तो बाकी बचे गई, तो अब आपको ये माइनस करना आता है, ये इधर ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये हो गया 10 और ये आपका हो गया 9, ठीक। अब ये 10 में से 4 का कितना बचा 6, ये 9 में से 6 का बचा कितना 3, ये हो गया 36 मीटर, ठीक है। तो लिखा है अगर उन्होंने 100 मीटर तार है उनके पास और जिसमें से उनका 64 मीटर लग गया तो उनके पास कितना बचा, तो आप यहाँ लिखेंगे 36 मीटर, ठीक है। आगे देखिए लिखा है अजय के पड़ोसी गजेंद्र ने भी अपने खेत में बाड़ लगाने की सोची, उसे कितने का तार की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसकी चारों साइड्स को हम प्लस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा उसको कितने मीटर की ज़रूरत होगी, 23 15 18 11 सबको प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 8 और 3 11 11 और 5 16 16 और 1 17 करने लगी, 1 2 और 1 3 4 5 6 कितना हो गया 67, तो यहाँ 67 लिख दीजिए 67 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है अगले दिन अजय खेतों में घूमने निकला, उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। तब बच्चों क्या अब आप सबसे छोटी सीमा वाली रेखा नंबर का पता लगाने में अजय की मदद कर सकते हैं, जिसमें सबसे छोटी रेखा निकले, तो कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा, ये है 9 और 1 10 10 का 0 कैरी लगी, 1 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 आप ज़रा इसको कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है 10 10 20, ठीक है, 10 30 10 40 40 तो ये हो गए, फिर 2 2 4 2 2 4 8 8 4 12, ठीक है, और 12 और 4 कितना हो गया 16, ठीक। 40 ये थे, 16 वो हो गए, ठीक, कितने हो गए 40 प्लस 16 इज इक्वल टू
छप्पन। आगे का आठ, ये देखिए आठ आठ दुनिया हो गए 16, 13 दुनिया हो गए 26, 26 और 16 को प्रेस करिए, 8 दुनिया 16 करिए, लगी 1 2 3 4, ठीक है, 13 दुनिया 26, 8 दुनिया 16, 6, अच्छा 6 दुनिया 12 होगा ना, 6 दुनिया 12 कैरी लगी 1 2 3 4, ठीक है 42 42। अब यहाँ देखिए अगला आपका लिखा है 10 10 20 30 40 50, ही हो गया 50। यहाँ लिखा है खेत नंबर, अब कौन से कम, सबसे कम संख्या किसकी, जल्दी से बताइए, ये वाले की 42, खेत नंबर 3 की, ठीक है, सीमाओं की लंबाई सबसे कम है, तो खेत नंबर 3 की जो सीमा की लंबाई है वो क्या है, सबसे कम। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।